जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधों पर किसी का हाथ काफी है, दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता है, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास काफी है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल से दुबई नवनीत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम सुनते ही आप सबके चेहरों पर आने वाली है एक बहुत ही अमेजिंग स्माइल, क्योंकि हम बना रहे हैं ऑल टाइम सबकी फेवरेट बेसन की बर्फी, जो बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप बहुत ही आसानी से अपने घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से भी इसे बहुत मजे से बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में और बनाते हैं मजेदार बेसन की बर्फी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन। आप कोशिश करें कि आप मोटा वाला बेसन ही लें। जी, 1 कप घी हमने इसमें डाल दिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन, ये जो हमने तैयार किया है। घी हमें बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, ऐसे ही ऐड कर देना है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम आप कोशिश करें कि आप लो ही रखें और स्पून को लगातार चलाते रहें। हमें इसे अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर डार्क ना हो जाए। इधर हम भून रहे हैं बेसन और इस साइड में हम कर लेते हैं चाशनी की भी तैयारी। उसके लिए हम लेंगे 1.5 कप शुगर। शुगर आप थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1.5 कप शुगर में हम डालेंगे 3/4 कप पानी का। इसे हम हाई फ्लेम पे ही पका लेंगे जब तक एक बॉयल ना आ जाए। बेसन हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है, इसमें एक फ्लफीनेस आ रहा है, आप देखिए। और इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी ये अच्छे से नहीं भुना है, अभी हम इसे और भुनेंगे। और इधर हमारी चाशनी में भी आ गया है बॉयल, आप देखिए। हम अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी केसर, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा। चाशनी की फ्लेम को भी हम मीडियम कर देंगे और बीच बीच में चला देंगे, लेकिन बेसन में हमें लगातार कड़छी चलाते रहना है। हम डालने हैं इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बेसन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी इसका डार्क हो गया है और फ्लफीनेस भी इसमें आ गई है। तो बेसन हमारा बुनकर हो गया है रेडी। इसे हम कर देते हैं अभी ऑफ, लेकिन फिर भी आपने 1-2 मिनट के लिए कड़छी चलाते रहना है ताजो ये नीचे ना लगे। उधर चाशनी भी हमारी पक रही है, लेकिन अभी अच्छे से नहीं पकी है, जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी नहीं आई है। चाशनी हमारी बिल्कुल बनकर हो गई है रेडी। हमें 1.5 तार की चाशनी चाहिए थी और ये 1.5 तार की चाशनी बिल्कुल बनकर हो गई है तैयार। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देखिए। हम फ्लेम को कर देंगे अब ऑफ। चाशनी को हम डायरेक्ट ही मिक्स कर देंगे बेसन में जो कि हमने भून कर रखा है, और इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसे इसमें मिक्स करते जाएंगे तो बेसन का टेक्सचर चेंज होता जाएगा, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। 3-4 मिनट बाद ही ये एकदम से थिक होगी, आप देखिए। इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे आप एक थाली में या प्लेट में, जिसमें भी आप इसे सेट करना चाहते हो, तो इसे आप इसमें डाल दीजिए।
ये बहुत जल्दी जम जाती है। आप देखिए कितनी जल्दी इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। इसे मैंने गार्निश कर दिया है कटे हुए पिस्ता के साथ और इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे 2-3 घंटे के लिए और फिर हम इसे अपनी मनपसंद पीसेस में कट करेंगे। इसे मैंने कट कर लिया है स्क्वायर पीसेस में, हम एक एक करके निकाल लेंगे। आप टेक्सचर देखिए इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। देखिए आप इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट। इसे जब चाहे एंजॉय कीजिए, जैसे अब रक्षाबंधन आ रहा है आप तभी इसे एंजॉय कीजिए और मजे लीजिए। दोस्तों हमारी जे बहुत ही मजेदार और झटपट बेसन की बर्फी बनकर हो गई है तैयार। आप जब चाहे इसे एंजॉय कीजिए क्योंकि इसमें हमने शुगर को छोड़कर बाकी सब हेल्दी ही यूज किया है। आप चाहो तो आप इसे रक्षाबंधन पे भी बनाइए और आप भी खुश हो जाइए और दूसरों को भी खुश कर दीजिए, क्योंकि ये है ही इतनी मजेदार रेसिपी। तो फिर देर किस बात की, आप इस अमेजिंग रेसिपी को ट्राई करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल। दिल से दुबई नवनीत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।